हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतिव्यापन ज्ञात करना, ओवरलैपिंग। ठीक है ना? इसे आप जानते हैं, जब दो परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो समान अणु, मतलब दो समान परमाणु मिलते हैं या दो असमान परमाणु मिलते हैं। तो इस तरह से जब असमान परमाणु के नाभिक परमाणु मिलते हैं तो विभिन्न कक्षक के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ऐसे इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपस में समान जब मिलते हैं, समान जितने संकरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उतनी समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो उसमें कैसे होता है यही आपको बताना है कि कौन कौन मिल रहा है। तो देखिए, हम आपको बड़े ही आसानी से बताने वाले हैं। जैसे मान लो HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन है और HCl में क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, हो गया 1s1, और क्लोरीन का 17 होता है, तो हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो देखो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 हो गया, ये किसका हो गया। तो यहाँ देखिए, ये पूरा नहीं है, इसमें अभी पी पे 6 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला क्रिया करेगा इससे, है ना, यस वाला क्रिया करेगा किससे, पी वाले से। तो यहाँ जो अतिव्यापन होगा HCl में, जो अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगा, यस पी ओवरलैपिंग होगा। कौन सा ओवरलैपिंग होगा? ओवरलैपिंग, यस पी ओवरलैपिंग होगा। ठीक है ना? कौन सा ओवरलैपिंग होगा? यस पी ओवरलैपिंग होगा। ठीक है ना? और ये क्या होगा, पी जेड वाला मिलेगा, ये है ना, 3p5 है। जैसे देखो, तो p में 3 कक्षक होते हैं, ये सब तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे क्योंकि ये पूर्ण है। तो ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ये px, ये py और ये है pz, है ना। तो ये pz वाला क्रिया करेगा इससे, तो इस तरह से युग्मित हो जाएंगे। तो यहाँ sp ओवरलैपिंग होगा, sp अतिव्यापन होगा। इसी तरह से NH3 ion से बना है और हाइड्रोजन से बना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से बना है, तो इसका हाइप होता है, तो हो गया 1s2, 2s2, 2p, नाइट्रोजन का 5 नहीं, सॉरी 7 होता है, तो 2, 2, 4, 3, 7, है ना। तो और हाइड्रोजन का एक होता है, तो हो गया 1s1। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसका s का इससे रिएक्ट होगा, है ना। तो किसे, अब देखो यहाँ क्या है, px, py, pz तीनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा, फिलहाल हमें वो नहीं बताना, हमें ये बताना ओवरलैपिंग कौन सा है। तो यस क्रिया करेगा p से, तो यहाँ कौन सा अतिव्यापन होगा, यस पी अतिव्यापन होगा, यानी यस पी ओवरलैपिंग होगा। कौन सा ओवरलैपिंग होगा? यस पी ओवरलैपिंग होगा। बड़ा ही आसान था, बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, N2 है, तो N2 का मतलब N+N होगा, तो ये आपका 7 होता है, ये भी आपका 7 होता है, तो हो गया 1s2, 2s2, 2p3, है ना, 2, 2, 4, 3, 7, ये भी ऐसे बनेगा 1s2, 2s2, 2p3। तो देखो, pp अतिव्यापन होगा। कौन कौन सा अतिव्यापन? क्योंकि ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा, ये अर्धपूर्ण है ना, ये भी अर्धपूर्ण है, तो pp से मिलेगा, और इस तरह से क्या बनाएगा, पी ओवरलैपिंग बनेगा। क्या बनेगा? पी ओवरलैपिंग बनेगा, ठीक। तो ये पी अतिज्ञापन होगा। तो इस तरह से आप किसी भी अणु या किसी भी यौगिक का आसानी से समझ सकते हैं, उसमें ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन कैसे हो रहा है, किस किस ऑर्बिटल से हो रहा है। और इसमें बिल्कुल आप थोड़ा सा अगर साहस करेंगे और थोड़ा सा आप प्रयास